हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हिस्टोरिकल प्लेस बाड़ा इमामबाड़ा का विज़िट कराते हैं। दोस्तों, ये चेक पॉइंट है और ये बाड़ा इमामबाड़ा, जिसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसका एंट्री गेट है जो आप देख सकते हैं। ये सामने जो है ये एंट्री गेट है, और इसे जो है ये इंडिया के लखनऊ में स्थित है, और जिसे 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ़ुद्दौला ने बनवाया था। और ये सामने कुछ इंटरफेस मस्जिद का है, और ये सामने जो है आसफ़ुद्दौला का जो है कब्र है इसके अंदर। मैं वहाँ आपको जाके दिखाता हूँ, अगर इजाज़त अंदर मिल गई दिखाने को तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाड़ा का मतलब दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा है, और ये इमाम बाड़ा निज़ामत इमाम बाड़ा के बाद दूसरा सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है। और ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो आपको दिखा देते हैं। ये हिस्टोरिकल व्यू है जो बहुत ही खूबसूरत आलिशान है, और बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं। और यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा का दोस्तों हिस्ट्री से ये पता चलता है कि 1780 में इसका काम शुरू हुआ था, जो एक विनाशकारी अकाल का वर्ष था। उस वर्ष जो है विनाशकारी अकाल का वक्त चल रहा था, और इस भव्य परियोजना को शुरू करने में आसफ़ुद्दौला का एकमात्र उद्देश्य ये था कि एक दशक तक रोज़गार प्रदान करना था उनको, जबकि अकाली जारी था उस वक्त। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों की ये रिवाज थी कि इमारत के जो बनने के काम थे वह दिन में होते थे, और जबकि कुलीन के काम जैसे तोड़ने फोड़ने के जो भी काम थे ये रात की होती थी। वह उस समय का वह रिवाज था। और ये बड़ा इमाम बाड़ा जो है 1784 में पूरा हुआ, बन के तैयार हुआ। और ये देख सकते हैं हम आ गए हैं, यहाँ पे एंट्री गेट है जो कि आसफ़ुद्दौला का अंदर जो है कब्र है। और यहाँ हमें पता चला, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। और ये उनकी तस्वीर है आसफ़ुद्दौला की, और देख सकते हैं कुछ लोग जो है यहाँ पे इसके चार्जेस ले रहे हैं अंदर जाने के। तो दोस्तों, यहाँ हम अंदर जा नहीं सकते, तो हम आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा का कैसा व्यू है। और पता ये चलता है हिस्ट्री से हमें कि इसे इमामबाड़ा को बनाने में लगभग 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच खर्चे हुए, और इसे नवाब जो है आसफ़ुद्दौला ने जो है इसको डेकोर कराने के लिए वो साल में लगभग इतना ही खर्चा कर लेते थे, 5 से 5 लाख रुपया तक इस पर खर्चा कर देते थे। तो ये कुछ ऐसे व्यू हैं, और बहुत ही काफ़ी वाइड रेंज में दोस्तों ये फैला हुआ है। और मैं जहाँ तक इजाज़त थी मुझे वीडियो शूट करने की, मैं आपको शूट करके दिखाया। और अंदर जाने में ये है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए मैंने नहीं वहाँ का रिकॉर्ड किया। ये अगल बगल और भी सारे जो विजिट हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मैं यहाँ भी विजिट करूँगा, आपको वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।